असलम नाजीन पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ पर खबरनामे में मैं हूँ आपके साथ काशिफ रजा मैं हूँ नाजिया कमल खेलों की खबरों के साथ मैं हूँ शफीक खान मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस पाकिस्तान का ईरान में सरमचार ऑपरेशन कार्रवाई में कल अदम बी एल ए और बी एल एफ के खुफिया ठिकानों को निशाना बनाया गया ड्रोन रॉकेट और दीगर हथियारों का इस्तेमाल बड़े नुकसान से बचने के लिए हमलों में इंतहाई एहतियात बरती गई। शहरियों की हिफाजत यकीनी बनाना मुसलह अफवाज की जिम्मेदारी है आवाम की हिमायत से दुश्मनों को शिकस्त देने के लिए पुरअज़्म है आई एस पी आर मुल्क की सलामती और कौमी मफाद पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा किसी भी किस्म की जारहाना कार्रवाई का भरपूर जवाब देने की सलाहियत रखते हैं ईरान के साथ पुरम ताल्लुक के खा हैं कार्रवाई ईरान नहीं दहशत गर्दों के खिलाफ थी ईरान की जानब ऐसी फौरी इकदाम न करने आरोप कार्रवाई की गयी तर्जुमान दफ्तर खारिजा पाकिस्तान अपनी सरजमीन के दिफा के लिए तमाम जरूरी इकदाम करेगा सदर डॉक्टर आरिफ अलवी की ईरान में दहशत गर्दों के ठिकानों को निशाना बनाने पर मुसल्ह अफवाज की पेशा वाराना महारत की तारीफ कौमी सलामती और इलाकाई सालमियत पर कोई समझौता नहीं होगा दोनों मुल्कों को मुसाकरात और बाहमी मुशावरत ऐसी मसाइल हल करने की जरूरत है ईरान की पाकिस्तानी हमले में नौ गैर मुल्की शहरियों की हलाकत की तस्दीक हमला ईरानी सरहद से तीन से चार किलोमीटर दूर किया गया ईरानी दाखला चीन की पाकिस्तान और ईरान के दरमियान सालसी की पेशकश ईरान और पाकिस्तान पड़ोसी और दोस्त हैं दोनों मुल्क चाहें तो कशीदगी कम कराने के लिए तैयार हैं उम्मीद है दोनों फरीक तहमुल से काम लेंगे चीनी वजारत खारिजा ट्रेवस में वजी आजम अनवर काकर से सऊदी वजी खारजा फैसल बिन फरहान बिन अब्दुल्ला की मुलाकात दो तरफ़ा तल्लु मजीद मजबूत बनाने से मुतल अमूर पर तबादले ख्याल वजीर आजम का तजारत सरमाकारी और रामतों को मजीद फ़रो देने की ज़रूरत पर ज़ोर मुलाकात में इलाकई सूरत हाल पर भी गुफ्तु दुबई हुकूमत और पाकिस्तान की वजारत मास रेलवे और बहरी उमूर के दरमियान बैनुलकूमती फ्रेम फ्रेमवर्क माहों पर दस्तखत वजी आजम अनवर कड़ और डी पी वर्ल्ड ग्रुप के चेयरमैन की मुलाकात पाकिस्तान में कारोबारी सरगर्मियों में दिलचस्पी का खैर मकदम हुकूमत की जानब से हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी मुल्क को एक बार फिर तरक्की की राह पर गामजन करना हमारा मिशन है माजी में मुल्क को तोनाई और दहशत गर्दी समेत संगीन बहरानों से निकाला खुशहाली का नया दौर एक बार फिर आएगा हमने मुतहद होकर एक बार फिर पाकिस्तान को अपने पाओं पर खड़ा करना है कायद मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ का हाफजाबाद में जल्द से महंगाई बेरोजगारी और गुर्बत का खात्मा तरजीह है बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का दायरा कार वसी किया जाएगा किसानों मजदूरों के मसाइल का खात्मा और खुतिन को बिलासूद कर्ज दिए जाएंगे पीपल्स पार्टी इंतबात में भारी अक्सरियत हासिल करेगी चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का नुशहरों फिरोज और दादू में जलसों ऐसी खिताब वी आई पी कल्चर का खात्मा यतीमों और बेवाओं की कफालत और नौजवानों को बाज्जत रोजगार की फरहमी हमारा मंशूर है आठ फरवरी को अगर आवाम ने जमात इस्लामी को मैंडेट दिया तो मुल्क में मुकम्मल इस्लामी निजाम का नफाज होगा अमीर जमात इस्लामी से राज का जाफराबाद के इलाके डेरा लह्यार में इंत से खिताब मुल्क की तरक्की के लिए बुधवारी से फैसले करना होंगे मीशत में बेहतरी इसकाम पाकिस्तान पार्टी के मंशूर का अहम हिस्सा है आठ फरवरी को एतमाद मिला तो आवाम की जिंदगी में बेहतरी के लिए भरपूर इकदाम करेंगे इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबरा जहांगीर तरीन की शमूलियती तकरीब में गुफ्तु वजीर तलात मुर्तज़ा सोलंगी से कराची में सूबाई वजीर तलात मोहम्मद अहमद शाह की मुलाकात सियासी सूरत हाल समेत इंतबा के इंतजाम से मुतल बातचीत सहाफियों को सहूलियात की फरहमी और दीगर मुतल अमूर पर भी तबादला ख्याल पुमन और शफाफ इंतबात के लिए सूबाई हुकूमत को हर मुमकिन तावन फराहम करेंगे मुर्तज़ा सोलंकी फलस्ती पर इसराइली जारहत जारी, जारी। खान यूनस और रफा पर बमबारी मजीद एक सौ बहत्तर शहादतें तादाद चौबीस हजार छह सौ बीस हो गई इकसठ हजार आठ सौ ऐसी जख्मी फलस्ती और इसराइल के तहत गजा में इंसानी इमदाद और अद्वियात की फराहमी जारी मकबूसा कश्मीर में फिस्ताई मोदी हुकूमत की इंतकामी कार्रवाइया तहरीके आजादी से वास्तगी की पादाश में मजदूर शहरीों के जब्त की की इकदाम शदीद मजम्मत। उर्दू अफसाना निगारी की पहचान सादत हसन मंटो को रुख्सत हुए उनहत्तर बरस बीत गए इंसानी नफ्सियात और रवैयों की हकीकत पसंदाना मंजर कशीम मंटो के अफसानों का हुन है तहरीर की तलखी मंटो की पहचान बने ना आया हूँ ना मैं लाया गया हूँ मैं कुन हूँ फरमाया गया हूँ मारूफ स्कॉलर उस्ताद मुसनफ़ और शायर वासिफ अली वासिफ़ को हमसे बिछड़े इकतीस बरस बीत गए रोमानवी लहजे में तश्फ़ और इश्क़ हकीकी का बयान वासिफ अली वासिफ़ की तहरीरों के नुमाएँ आसाफ और पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान टी ट्वेंटी सीरीज सीरीज का चौथा मैच कल क्राइस्ट में खेला जाएगा मेजबान न्यूजीलैंड को पांच मैचेस की सीरीज में तीन सिफर की फैसला कुल बरतरी हासिल मैच पीटी स्पोर्ट्स एच पर आरोप बराहरास दिखाया जाएगा हेडलाइंस आपने जानी में सबसे पहले आपको बताया तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि पाकिस्तान की कार्रवाई ईरान के खिलाफ नहीं बल्कि दहशत गर्दों के खिलाफ थी पाकिस्तान अपने पड़ोसी मुल्क ईरान के साथ पुरान का खांहा है और हमेशा बातचीत के जरिए चैलेंजेस से निमटने की कोशिश करता है निगरान वजीर आजम अनवर काकड़ और वजी खारजा जलील अब्बास जुलानी ने मौजूदा पेशरफ की रोशनी में अपने गैर मुल्की दौरे मुख्तर कर दिए हैं मजीद तफसी की इस रिपोर्ट में देखिए वजारत खा में मीडिया ब्रीफिंग देते हुए तर्जुमान दफ्तर खारजा जहरा बलोच ने कहा कि हमारे संगीन तहफात पर अमल न होने की वजह से आज सुबह में दहशत गर्दों के कार्रवाई की गई इंटेलिजेंस ऑपरेशन में मुतदगर्द मारे गए

ईरान की सलामती और खुद मुख्तारी का मुकम्मल एहतराम करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ पाकिस्तान ईरान इज अ ब्रदरली कंट्री एंड दीपल ऑफ पाकिस्तान फॉर द पीपल ऑफ ईरान वी हैग एंड कोऑपरेशन इन कंफ्रंटिंग कॉमन चैलेंजेस इंक्लूडिंग दिन टेरोरिज्म We'll to to खारजा ने, ने, ने युगंड का दौरा मुख्तर करके वतन आने का फैसला किया है तर्जुमान दफ्तर खारजा ने जनवरी उन्नीस सौ नब्बे के दौरान भारत के गैर कानूनी जेर कब्जा जम्मू और कश्मीर में भारतीय अफवाज के हाथों होने वाले कश्मीरी शहदा को खराजी अकीदत पेश किया पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज इस्लामाबाद आई एस पी आर ने ईरान में दहशत गर्दों के ठिकानों को निशाना बनाने की खसूस ऑपरेशन मर्ग बर्ड सरमाचार की तफसीत जारी की हैं जिसके मुताबिक ईरान में निशाना बनाए गए ठिकाने बदनाम दहशत गर्द इस्तेमाल कर रहे थे पाकिस्तान ने ऑपरेशन में हमलावर ड्रोन रॉकेट्स और दीगर जदी तरीन हथियार इस्तेमाल किए तफी बता रहे हैं राना शहजाद में पाक अफवाज के शोब तल्का अमा का कहना है कि ईरान की तरफ से पाकिस्तान पर हालिया फजाई हमले पर आज ईरानी सूबे बलोचि में दहशत गर्दों के ठिकानों पर मुस्दा खुफिया इतला पर भरपूर जवाबी कार्रवाई की गई जिसमें कलदम दहशत गर्द तनजीमों बलोचि लिब्रेशन आर्मी और बलोचिस्तान लिब्रेशन फ्रंट की पनागाहों को कामयाबी ऐसी निशाना बनाया गया कार्रवाई में मुतद दहशत गर्द मारे गए हैं ये पनागाहें बदनामे जमाना दहशतगर्द दोस्ता उर्फ चेयरमैन बाजार उर्फ सोगत साहिल उर्फ शफक असगर उर्फ बशाम और वजीर उर्फ वजी भी इस्तेमाल करते रहे हैं बड़े नुकसान से बचने के लिए हमलों में इंतहाई एहतियात बरती गई है आई एस पी आर का कहना है कि मुसल्हफाज दहशत गर्दी की कार्रवाइयों के खिलाफ पाकिस्तानी शहरीों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए मुस्तकिल तैयार है उन्होंने कहा कि हमारा आजम है कि पाकिस्तान की इलाकई हदूद की ख़ुद को हर सूरत में महफूज बनाएंगे पाकिस्तान की खुद और आलाकई सालमियत का एहतराम जरूरी है किसी भी मुहिम जोई के खिलाफ तहफ़ तो को यकीनी बनाना पाकिस्तानी अवाम की हमायत से दुश्मनों को शिकस्त देने के लिए पुरजुम है मुसल्ह अफवाज के तर्जमान का मज़ीद कहना है कि आगे बढ़ने के लिए दो पड़ोसी बरदर मुल्कों से बातचीत और तावन को फ़रोक देना चाहते हैं उन्होंने कहा की हमसाया बरदर मुल्कों के दरमियान दो तरफ़ा मसाइल का हल सिर्फ मुना शाम पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ इस्लामाबाद सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा की पाकिस्तान अपनी कौमी सलामती और इलाकई सालमियत आरोप समझौता नहीं करेगा और अपनी सरजमीन के दिफा के लिए तमाम जरूरी इकदाम करेगा ईरान के सूबे बलोचिस्तान में पाकिस्तान की कार्रवाई के हवाले से सदर ममलुकत ने दहशत गर्दों के ठिकानों को निशाना बनाने पर मुसल्ह फाज की पेशा वाराना महारत की तारीफ की सदर ममलुकत ने कहा कि दहशत गर्दी मुश्तर चैलेंज है जिसके खात्मे के लिए आलमी कोशिशों की जरूरत है उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तमाम रियासतों की खुद और सालमियत का मुकम्मल एहतराम करता है पाकिस्तान दीगर ममालिक से भी यही तो रखता है कि वह बैन अवी कवान की वर्जी ना करें सदर ममलकत ने कहा कि पाकिस्तान और ईरान को मजाक और बाहि में मशावरत से मसाइल हल करने की जरूरत है चीन ने पाकिस्तान और ईरान के दरमियान सालसी की पेशकश की है चीनी वजारत खारजा के तर्जमान माहनिंग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उम्मीद जाहिर की दोनों फरीक कशीदगी में इजाफे से बचते हुए तहमुल से काम लेंगे उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान और ईरान चाहें तो चीन कशीदगी को कम करने में तामीरी किरदार अदा करने के लिए तैयार है तर्जुमान ने मजीद कहा कि ईरान और पाकिस्तान खत्े के अहम ममालिक हैं और दोनों मुल्क चीन के दोस्त हैं पाकिस्तान की मुसल्ह अफवाज ने एक बार फिर अपने आवाम की तो उम्मीदों पर पूरा उतरते हुए ये साबित किया है कि पाकिस्तान की इलाकाई सलामती और खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं हो सकता ईरान के अंदर दहशतगर्द ठिकानों के खिलाफ पाकिस्तान की कामयाब कार्रवाई को हाल में मीडिया ने ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर नशर और शाया किया तफसी पाकिस्तान पर जब भी बैरूनी जारहीत मुसलत करने की कोशिश की गई तो मुल्क की मुसल्ला बहादुर अफवाज ने फौरी जवाबी कार्रवाई करके जा रहे कुतों आरोप साबित कर दिया कि पाकिस्तान अपनी सालमियत और खुद मुख्तारी के तहफ की न सिर्फ मुकम्मल सलाहियत रखता है बल्कि जवाबी कार्रवाई से जा रहे कुतों आरोप खौफ तारी कर सकता है ईरान की जानब ऐसी पाकिस्तानी सरहदीद की खिलाफ वर्जी के जवाब में पाकिस्तान की भरपूर और दुरुस्त अस्करी कार्रवाई आलमी मीडिया की जीनत बनी रही और खबरों की दुनिया में इसे वाजे तौर पर कवरेज दी गयी i believe iran is continuing to disturb. they used to do, just do it with proxies. now they're engaging themselves. and again, i believe it, it reflects how they feel like they can be a little bit bolder with some of the things going on in the middle east, especially in gaza. pakistani aircraft were involved in this particular strike operation. the pakistani military stressing that the aircraft did not violate iranian airspace, but were able to launch what they say are standoff. Uh, precision munitions on तीन रोज पहले जब ईरान ने पाकिस्तान के खिलाफ बला की तो भारतीय मीडिया ने चीख चीख कर आसमान सर पर उठाया हुआ था पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई ने भारतीय मीडिया को भी पाकिस्तान की असक्रीवत और पेशावराना काबिलियत की तारीफ करने पर मजबूर कर दिया पाकिस्तानी बलूचिस्तान अमेरिकन मीडिया मीडिया हो या यूरोपीय और अरब मीडिया ईरान के खिलाफ पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई का ही चर्चा रहा पाकिस्तान ईरान को अपना ब्रादर हमसाया मुल्क समझता है और एक ब्रादर की हैसियत से अब भी दो तरफा कशीदगी का बातचीत और सफारती तौर पर हल चाहता है तहम एक बात बिल्कुल वाजह है की पाकिस्तान किसी भी सूरत अपनी आजादी इलाकाई सालमियत और खुद मुख्तारी आरोप आँच नहीं आने देगा असलान सद पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज इस्लामाबाद ईरान के वजी दाखिला ने कहा है कि पाकिस्तान की जानब से किए गए हमले में नौ गैर मुल्की शहरी हलाक हो गए हैं ईरानी न्यूज एजेंसी ने ईरानी वजीर दाखिला का हवाला देते हुए कहा है कि हमला ईरानी सरहद से तीन से चार किलोमीटर दूर किया गया जिसमें हलाक होने वाले तमाम गैर मुल्की शहरी शामिल थे ईरान के सरकारी मीडिया ने दावा किया है कि पाकिस्तान की दहशत गर्दों के ठिकानों पर कार्रवाई में हलाक होने वाले अफराद ईरानी शहरी नहीं थे बीबीसी के मुताबिक ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी इरना ने रिपोर्ट में कहा कि ईरान के जुनूब मशरकी सूबे से स्तान के डिप्य गवर्नर जनरल अली रजा मरहमाती ने पाकिस्तानी हमले में हलाक होने वाले अफराद ईरानी शहरी नहीं थे उन्होंने बताया कि हमले में एक ईरानी सरहदी गाँव का निशाना बनाया गया अमरीका ने पाकिस्तान में हमलों की मजम्मत की है उनका कहना था ईरान के इस गैर जिम्मेदारा हमले की मजम्मत करते हैं बेगुनाह जानों के नुकसान पर पाकिस्तान के दुख में शामिल है तर्जमान अमरीकी दफ्तर खारजा ने कहा की ईरान ने खत में तनाज़ात का सिफारती हल तलाश करने के बजाय एक मरतबा फिर खत्े को गैर मुस्कम किया है निगरा वजीरम हकाकर से डेवस में सऊदी अरब के वजीर खारिजा फैसल मीन फरहान बिन अब्दुल्ला ने मुलाकात की आलमी इकतसादी फारम के सालाना अजलास के मौके पर होने वाली मुलाकात में वजे अजम ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान करीबी बरदराना तल्लत की तजवीरती अहमियत पर जोर दिया जो सकाफ़ती वर्षे और बाहमी तान के रिश्तों में जुड़े हैं वजी अजम ने इस बात पर जोर दिया कि पाकिस्तान तजारत सरमाकारी और आवाम से आवाम के रबतों समेत दो तरफा रवाबित को मजीद वसत देने का कहाँ है वजी अजम ने अल खादिहरमैनशरीफान की क्यादत को सराहते हुए इस आजम का भी इजहार किया कि पाकिस्तानी अवाम सऊदी अरब की क्यादत और आवाम के लिए इंतहाई एहतराम के जज्बात रखते हैं मुलाकात के मौके पर दोनों रहन इलाकई सूरत हाल पर पेशरफ्त का भी जायज़ा लिया वजी अजम अनवर काकड़ ने कहा कि दोनों बरदर मुल्कों के दरमियान करीबी तल्लु इलाकई इसकाम का बास हैं दुबई की हुकूमत और पाकिस्तान के वजारत मवासला रेलवे और बहरी उमूर के दरमियान फ्रेमवर्क फ्रेमवर्कों पर दस्तखत की तकरीब हुई निगरान वजी अजम अनवार भी इस मौके पर मौजूद थे दुबई की नुमाइंदगी डी पी वर्ल्ड ने की माहों के तहत पाकिस्तान में रेलवे की बार बर्दारी की राहदारी मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क और सामान के टर्मिनल्स के क्याम के मुमकिन मौाक़ का जायजा लिया जाएगा वाहदों के तहत पोट कासम में साहली जोन और नेविगेशन चैनल्स की ड्रेजिंग से मुलिक मौाक़ का अहता भी किया जाएगा इस मौके पर निगरा वजी अजम अनवारक काकर से मुतहदा अरब अमारात की मल्टाई नेशनल लॉजिस्टिक कंपनी डी पी वर्ल्ड के ग्रुप चेयरमैन और सी ई सुल्तान अहमद बिन सलीम ने मुलाकात की आलमी अकतदी फारम के मौके पर होने वाली इस मुलाकात में वज़़र अजम ने पाकिस्तान और मुतहदा अरब अमारात के दरमियान रवाबत और तावन में इजाफे पर इतमान का इजहार किया उन्होंने तजारती शोबे में मौजूद सलाहियतों को भी उजागर किया वज़ी अजम ने डी बी वर्ल्ड की जानब से पाकिस्तान में कारोबारी सरगर्मियों में दिलचस्पी का खैर मुकदम करते हुए हुकूमत की जानब से मुसलसल ताउन की यकीन दहानी कराई वजीर अज़म ने कहा कि पाकिस्तान तजारत और सनती मरकज के तौर पर अपने जियो इकनॉमिक विजन को अमली जामा पहनाने के लिए शरकत दारों को सहूलियात फराम करता रहेगा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने कहा है कि मुल्क को एक बार फिर तरक्की की राह पर गामजन करना उनका मिशन है और वो आवाम की ताकत से बहुत जल्द इस मिशन को पूरा करके दिखाएंगे वो हाफजाबाद में वामी इज्तम से खिताब कर रहे थे जिसकी तफसील बताएंगे वसीम सज्जात मुस्लिम लीग नून के क़ायद मोहम्मद नवाज शरीफ जलसा गांव पहुंचे तो आवाम और पार्टी कारकुनों की बड़ी तादाद ने उनका शानदार इस्तकबाल किया इस मौके पर खिताब करते हुए मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा कि उन्होंने माजी में जाम इकदाम की बदौलत मुल्को तो दहशत गर्दी समेत संगीन बहरानों से निकाला लेकिन उन्हें इकतदार से बार बार महरूम करके मुल्की तरक्की की राह में रुकावटें डाली गयी पाकिस्तान के अंदर महंगाई नाम की कोई चीज न होती डॉलर आज भी एक सौ रुपये में होता और पाकिस्तान एक खुशहाली का गवारा होता दुनिया में एक बेहतरीन मकाम हासिल कर चुका होता मेरा मिशन पाकिस्तान को अपने पाओ और अपने कदमों पर खड़ा करना है और हम इन अपने इस मिशन को पूरा करेंगे आप मेरे साथ मिलके वादा करो कि आप इनशाला हमारे साथ मिलके पाकिस्तान को अपने पाओ पे और कदमों पे खड़ा करोगे नवाज शरीफ ने कहा कि अवाम की मोहब्बत देख कर उन्हें नहायत खुशी हुई है वो हमेशा की तरह अवामी तो पर पूरा उतरेंगे जो प्यार आपके दिल के अंदर है नवाज शरीफ के लिए वो आज भी जाग रहा है और नवाज शरीफ के दिल के अंदर जो प्यार आपके लिए है वो भी जाग रहा है जलसे ऐसी खिताब करते हुए मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने कहा कि 28 मई वालों ने एटमी धमाकों के जरिए मुल्क की सलामती को मजबूत तर बनाया जबकि 9 मई में मुलविस जमात ने को इंतजार और अदम इसम ऐसी दो चार किया मरीम नवाज ने कहा की मुस्लिम नून आवाम के वोटों से एक बार फिर इकतदार में आकर अवामी फलाहो बहबूद के नए बब रकम करेगी मुस्लिम लीग नून को फताए इन ताला हर घर में बिजली होगी हर घर में गैस होगी बिजली के बिल भी कम होंगे इन और हमारी कोशिश ये है कि 200 यूनिट से नीचे नीचे जितने लोग हैं उनको मुफ्त बिजली मिला करें जलसे से नून लीग के मकामी नुमाइंदों ने भी खिताब किया और यकीन दिलाया कि इंतबा के बाद वो इलाके के दरीना मसाइल को हल करने में कोई कसर नहीं उठा रखेंगे वसीम सजाद पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज लाहौर पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि पीपल्स पार्टी अवामी खिदमत की सियासत पर यकीन रखती है नुशहरो फेरोज और दातू में जलसों से खिताब में बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि माजी में अवामी फलाह के लिए पार्टी की कारकर्दगी देख इलेक्शन में अवाम पीपल्स पार्टी को कामयाब बनाएंगे तफसी नमरा सोहेल से नुशहरो फेरोज में जलसे से खिताब में पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि महंगाई और गुर्बत का खात्मा हमारे मंशूर का हिस्सा है इकतदार में आकर आवाम के लिए मुफ्त तालीम और सेहत की सहूलियात की फराहमी तरजीह होगी ये महंगाई का मुकाबला करने के लिए दस नुकाती एजेंडा है आप मुझे अपना वजीर आज़म बनाए और मैं इस तमाम जो दस निकाती एजेंडा है इसमें अमल दरामद करूँगा गुर्बत का खात्मा करूँगा बेरोजगार का खात्मा करूंगा और इस महंगाई का भी हम मिलते मुकाबला करेंगे दादू में जलसे से खिताब में बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि हम इंतकाम की सियासत पर यकीन नहीं रखते इंतकामी सियासत को हमेशा के लिए दफन करके पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गजन करेंगे हम पाकिस्तान को नया सिमत पे लेके जाएंगे हम आने वाले नस्लों के लिए एक बेहतर पाकिस्तान बनाएंगे बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा के इकतदार में आए तो नौजवानों की फलाह और किसानों और मजदूरों के मसाइल को हल करेंगे जलसों से खिताब करते हुए दूसरे रहनुमाओं ने पार्टी मंशूब पर बात की नमरा सुहेल पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज इस्लामाबाद सिंध में सियासी सरगर्मियां भरपूर अंदाज में जारी हैं और मुख्तलिफ सियासी जमातें वोटर्स की हिमायत हासिल करने के लिए जलसे कर रही हैं। खान से है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एम क्यू एम पाकिस्तान जमात इस्लामी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून समेत दूसरे सियासी जमातों की सिंध में मुहिम का सिलसिला तेज हो गया है सखर में जलसे ऐसी खिताब करते हुए जमात इस्लामी पाकिस्तान के अमीर हक ने कहा की आठ फरवरी दो हजार चौबीस के इंतबा में आवाम हमारी क्यादत को मुंतब करें और हम बरसर इकतदार आकर बेरोजगारी और महंगाई को खत्म करेंगे कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस ऐसी खिताब करते हुए महाजर कौमी मूवमेंट के सरबरा आफाक अहमद ने कहा की हम इलेक्शन में भरपूर हिस्सा ले रहे हैं और अपना पार्टी मंशूर घर घर फैलाएंगे उन्होंने कहा की आज के लोग बहुत समझदार हो गए हैं और वो आने वाले उम्मीदवारों से भी भरपूर तो रखते हैं जो कि जमहूरियत के लिए अच्छा शगुन है सबक वजीर दाखिला सिंह डॉक्टर जुल्फिकार मिर्जा और सबक स्पीकर कौमी असम्बली फहमदा मिर्जा को सिंध कोर्ट की जानब ऐसी इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई है टंडो मोहम्मद खान में जलसे से खिताब करते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आसिफा भुट्टो जरदारी ने कहा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक मंशूर दिया है और ये अवाम दोस्त मंशूर है उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी अवाम के हकूक के लिए सियासत करती है आसिफा भुट्टो जरदारी का टंडो मोहम्मद खान पहुँचने आरोप शानदार इस्तेवाल किया गया जान अहमद खान पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज कराची करप्शन का खात्मा और अच्छा नजम जमतूर में शामिल है अमीर जमतुल ने जिला जाफराबाद के डरा में जलसा आम से करते हुए किया सराजुल्हक ने कहा कि वी आई पी कल्चर के खात्मे के अलावा यतीमों और बेवाओं की किफालत और नौजवानों को बाजत रोज़गार की फरहमी को यकीनी बनाया जाएगा अमीर जमत इस्लामी ने डेरा लार में अलखिदमत हस्पताल का भी अफ्त किया सरबरा जमीयतलम इस्लाम मौलाना फजलान से चीन के सफी जॉन्ग ज़िरोंग ने मुलाकात की और दो तरफ़ा तल्लु माशी और अकतदी अमूर पर तबादला ख्याल किया मौलाना फजलान ने कहा कि सी पैक मनसूबा पूरे खत्े में माशी इस्तेकाम लाएगा उन्होंने वन चाइना पॉलिसी के हवाले से पाकिस्तान के गैर मुतजलसल अजम का अदा किया चीनी सफर ने दो तरफ़ा तल्लु को मजीदी तकबीत देने के अजम का इजहार किया और पाकिस्तान के तरक्याती अहदाफ के हवाले से हिमात जारी रखने का अदादा किया इस्ते में पाकिस्तान पार्टी के सरपरा जहांगीर तरीन से मेंबर जिला काउंसिल मलिक शौकत घल्लू ने मुलाकात की और जहांगीर खान तरीन की भरपूर हमायत और आई पी पे एलान पी शमूलियत का ऐलान किया पीपी दो सौ अट्ठाईस से पीपल्स पार्टी के टिकट होल्डर अरशद शाह बुखारी ने भी इसकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल होने का ऐलान किया इस मौके पर जहांगीर तरीन ने कहा कि मुल्की मीशत में बेहतरी हमारे मंशूर का अहम हिस्सा है और अगर आवाम का एतम मिला तो उनकी जिंदगी में बेहतरी लाने के लिए भरपूर इकदाम किए जाएंगे मुस्लिम लीग न के रहनम चौधरी मोहम्मद बर्जीज ताहिर ने सांगला हिल में जलसे ख़ताब करते हुए कहा है कि आठ फरवरी को होने वाले आम इतब के जरिए बरसर इकतदार आकर मुल्क को माशी तौर पर मुस्कम बनाएंगे बर्जीज ताहिर ने कहा कि अवाम के वोट की ताकत से मुल्क माशी और दिफाई लिहाज से तरक्की याफ्ता मुल्कों की सफ में ला खड़ा करेंगे बर्जीज ताहिर ने कहा की अगर अवाम ने हमारी क्यादतर पर अहतम किया तो मुल्क मिसाइल का हल अवलिन तरजीह होंगे निगरान वज़र बलोचि केरहद से मुलों समेत में चीफ सक्रटरी बलोचि और एडिशनल चीफ सक्रटरी दाखिला ने इस दौरान अजलास को तफस ब्रीफ किया वज़ी अला ने कहा कि सूबे मेंाम शफाफ़ और गैर जानबदाराना इंतबात निगरान हुकूमत की अवलिन तरजीह है वज़र अला का कहना था कि बलोचिस्तान में आवाम के जानो माल के तहफ़ के लिए तमाम दस्याब वसायल वार लाए जा रहे हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नाम और तस्वीर से जाली व्हाट्सएप अकाउंट्स के इस्तेमाल के मजीद वाकत सामने आए हैं इलेक्शन कमीशन के तर्जुमान ने कहा है कि अवाम चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नाम और तस्वीर से बनाए गए जाली व्हाट्सएप अकाउंट्स और उनके जरिए फैलाए गए जाली पैगाम से होशियार रहें और उन्हें यकसर नज़रअंदाज कर दें प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के जेरमाम वोटर्स और सियासी जमातों के किरदार के हवाले से सेमिनार हुआ जिसकी तफसील बता रही हैं मरियम इंतबी अमल में अवाम कलीदी किरदार अदा करते हैं जो इस अमल की अपने वोट के जरिए बुनियाद रखते हैं बदलते रुझान में वोटर्स और सियासी जमातों का जमहूरियत के लिए किरदार कितना बदला आम इंतले अहम तरीन मौजू पर प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के ताउन ऐसी से सेमिनार मुनद किया गया सेक्रेटरी इतलात नशरियात शहीर शाहिद ने खिताब करते हुए कहा कि सियासी जमातों के मंशूर पर तफसीली बहस जरूरी है एक बेहतर नजरिए की तश्क़ील अवामी राय से ही हो सकती है हमारी काविश ये भी थी कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाए इसका मकसद एक तो ये है कि इलेक्शन जो हैं वो आठ फरवरी को मनकद हो रहे हैं और उनके लिए हमारा जो एक फ़र्ज है कि हम ना सिर्फ इंफॉर्म्ड मीडिया बल्कि इंफॉम्ड डायलाग ड सब कुछ सब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करें मुल्क को हालात ज़रा मुश्किल दरपेश हैं चैलेंजेस हमारे जो हैं वो एक बड़ी स्टार्क रियलिटी है जिसको कि हम डिनाई नहीं कर सकते और हम ये चाहते हैं कि जब हमारी पॉलिटिकल पार्टी अपना मंशूर दें तो वो इसके ऊपर जोर भी दें प्रिंसिपल इंफॉर्मेशन ऑफिसर तारे खान ने भी सेमिनार से बतौर मेजबान खिताब किया और इंतजामी अमल की आगाही और अहमियत से ऐसी के मुबास की अहमियत पर जोर दिया उनका कहना था की जब तक सियासी तहारीक मौजूद न हो मजदूर किसान और दीगर तबकी में बेहतरी नहीं आ सकती ग्लोबलाइजेशन जो है वो ज़्यादा तेज हो गई है डिजिटलाइजेशन की वजह से ये जो डीपर चेंजेस आ रही हैं सोसाइटी में ग्लोबलाइजेशन की डिजिटाइज़ेशन की डेमोग्राफिक की चेंजेस हैं यूथ बल्ज की बात होती है और ख़वान की अवेयरनेस की बात होती है कि आया ये रिफ्लेक्ट हो रहा है पोलिटिकल पार्टीज़ के मैनिफेस्टोज में और स्ट्रक्चर में या नहीं तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि पॉलिटिकल पार्टीज़ अवेयर नहीं हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ बिल्कुल अवेयर हैं वो सारे उन फोर्सेस को एब्ज़ॉर्ब कर रही हैं और उन टूल्स को यूज़ कर रही हैं जो सोसाइटी उन्हें दे रही है पावर में आने के लिए सेमिनार में दो मुख्तलि नशस्तों में पैनल डिस्कशन का भी अहतमाम किया गया जिनमें सीनियर सहाफियों प्रोफेसर और सियासी जमातों के रहनमाओं ने तबादला ख्याल किया चुर्का का कहना था की जमहूरियत को मजबूत करने के लिए पार्लियामेंट को मजबूत करना होगा और इसमें मीडिया का किरदार अहम है मरियम मलिक बी टी वी न्यूज़ इस्लामाबाद इलेक्शन कमीशन ने आम इंतबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों की तफसीत जारी कर दी हैं, जिसके मुताबिक कौमी और सूबाई असम्बलियों की नशस्तों के लिए सत्रह हजार आठ सौ सोलह उम्मीदवार इंतबात में हिस्सा ले रहे हैं रिपोर्ट करेंगे वकार हैदर आठ फरवरी दो हजार चौबीस को होने वाले आम इंतबाब में बड़ी तादाद में उम्मीदवार मैदान में है कौमी और सूबाई असम्बली के नशतों के लिए सत्रह हजार आठ सौ सोलह उम्मीदवार इतबाबात में हिस्सा ले रहे हैं सिर्फ कौमी असम्बली की नशस्तों आरोप पाँच हजार एक सौ इक्कीस जबकि सुबाई असम्बली की नशस्तों आरोप बारह हजार छह सौ पचानवे उम्मीदवार मैदान में है इसके अलावा कौमी और सूबाई असम्बली की नशस्तों आरोप ग्यारह हजार सात सौ पचासी आज़ाद उम्मीदवार भी हिस्सा ले रहे हैं कौमी असम्बली की नशस्तों आरोप तीन हजार दो सौ आजाद और अठारह सौ तिहत्तर सियासी जमातों के उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं सूबाई इसम्बली के नशस्तों पर आठ हज़ार पाँच सौ सैंतीस आज़ाद और चार हज़ार एक सौ अठावन सियासी जमातों के उम्मीदवार हैं कौमी और सूबाई इसम्बली के नशतों पर आठ सौ बयासी ख़वान उम्मीदवार भी मैदान में हैं मुल्क भर में कौमी और सूबाई इसम्बली की चार नशस्तों पर ख़्वाज शराबी इंतबाब में हिस्सा ले रहे हैं कौमी और आरोप छह हजार इकत्तीस जमातों के उम्मीदवार हैं। पंजाब असम्बली की, की नशस्तों पर छह हजार सात सौ दस सिंध असम्बली की नशस्तों पर दो हजार आठ सौ अठहत्तर उम्मीदवार मैदान में है खैबर पख्तरखाब्बली के नशस्तों पर अठारह सौ चौतीस जबकि बलोचिस्तानी की नशतो आरोप बारह सौ तिहत्तर उम्मीदवार इंतजामी अमल में हिस्सा ले रहे हैं इस्लाम आबाद नाजीन आबादी के लिहाज ऐसी दूसरे बड़े सूबे सिंध के अजला में कौमी असम्बली के हल्के कितने देखते हैं इलेक्शन सेल की रिपोर्ट आबादी के तनासब से दूसरा बड़ा सूबा सिंध है जिसकी कौमी असम्बली में कुल इकसठ नशितें हैं सुबह सिंध को छह डिवीजन में तकसीम किया गया है जो इकतीस अजला पर मुश्तमिल इलेक्शन सेल की इस रिपोर्ट में आपको डिवीजन के लिहाज से बताएंगे कि कौन सा हल्का किस जिले में शामिल है सुबह सिंध का सबसे बड़ा डिवीजन कराची है जिसमें कुल सात अजला है और इन अजला की कौमी असम्बली में बाईस नशितें हैं इस डिवीजन में कराची सेंट्रल और कराची ईस्ट की कौमी असेंबली में चार चार नशस्तें हैं नशस्तों के लिहाज से दूसरे नंबर पर हैदराबाद डिवीजन है जिसकी कौमी असम्बली में कुल तेरह नशितें हैं नौ असलाह पर मुश्तम हैदराबाद डिवीजन में हैदराबाद की कौमी असम्बली में तीन जबकि दादू और बदीन में दो दो नशस्तें हैं लाड़काना डिवीजन की बात की जाए तो यहाँ पांच असलाह हैं जिनमें जैकवाबाद कश्मोर शिकारपुर लाड़काना और कंबर शहदाद कोट शामिल हैं इन असलाह की कौमी असम्बली में आठ नशस्तें हैं सकर डिवीजन के कुल तीन असलाह घोटकी सखर खैरपुर की कौमी असम्बली में सात नशस्तें हैं इसी तरह शहीद बेनजीराबाद डिवीज़न के कुल तीन असलाह हैं जिनमें नौशहर फेरोज शहीद बेनजीराबाद और सांगर शामिल हैं इन असलाह की कौमी असम्बली में छः नशस्तें हैं मीरपुर खास डिवीजन के तीन असलाह मीरपुर खास उमरकोट थरपारकर की कौमी इसम्बली में पाँच नशस्तें हैं और यहाँ आपको बताएं अडियाला जेल रावलपिंडी में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खसूसी अदालत ने पी के सबक चेयरमैन और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस में मजीद चार गवाहों के बयान कलम बंद कर लिए हैं केस की समात ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खसूसी अदालत के जज अबुल हसनाजल कर एफ़ आई ए की जानब से सीनियर स्पेशल प्रोसिक्यूटर ुल्फ़ार अब्बास नकवी और रिजवान अब्बास की अदालत में पेश हुए बानी पी टी आई और शाह महमूद कैशी के वकला अली बुखारी और बैरिस्टर उमैर न्याजी और दीगर पेश हुए अदालत ने साइफर केस में चार मजीद गवाहान इकरा अशरफ शमून कैसर इमरान साजिद हरसी बिन अजीज़ के बयान कलमबंद कर लिए हैं अदालत ने मजीद गवाहान को कल तलब करते हुए समात मलतवी कर दी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक सौ नब्बे मिलियन पाउंड केस, केस में जेल ट्रायल के खिलाफ सबक चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त काबिल समाप्त करार देते हुए फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए हैं जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंग और जस्टिस अरबा मोहम्मद ताहिर पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने समाप्त की अदालत ने नैब केसेस का जेल ट्रायल रोकने की दरखात पर भी नोटिस जारी कर दिया है अदालत की जानी से सेक्रेटरी दाखिला को भी नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया गया है तहरीक बलोचि में अंदरूनी तौर पर टूट फूट का शिकार है तकसीम पर मुतफ हैं और ना ही सियासी हमत अमली पर कहीं कारकुन पुरानी क्यादत का पार्टी के मसाइल का जिम्मेदार ठहराते हैं और कहीं दरीना वर्कर्स को नजरअंदाज करने के शिकवे हैं पीटीआई की सूबे में पोजिशन क्या है रिपोर्ट कर रहे हैं कोयटा से वकार अहमद तहरीक इंसाफ बलोचि कौमी और इंतजाम में टिकट तकसीम पर तकसीम दर तकसीम का शिकार है सुबाई क्यादत और देरीना कारकुनों में सियासी खलीज बढ़ती जा रही है में जो तक टिकट तक तौर पर बिल्कुल फैसला किया गया आज हमारे बलोचि में हमारे साथ ये नासाफी हुई है की हमारे उन लोगों को नजरअंदाज किया गया है वर्कर है मगर उनको छोड़ जिन्होंने चार महीने पहले हमारे साथ शमूलियत की उनको फोकियत दे के, उनको दिया गया बल्ले का निशान न मिलने और मजबूत लीडरशिप न होने की वजह से जमात पीटीआई नजरियाती पीटीआई हकीकी और दीगर नामों के साथ देरीना कारकुनों को नजरअंदाज करने का शिकवा कर रहे हैं ये जो शख्सियत यहाँ पर बैठी है जिनके साथ तुम करते हो और ये सब से बर्दाश्त करते हैं हमारे साथ जो जबर किया गया हमारे को जो तकलीफें दी गई वो अलग जगह हमने बर्दाश्त की लेकिन पार्टी के साथ जो ये कर रहे हैं क्योंकि हमारे लीडर का खून इसमें शामिल है हम इस पे किसी सूरत समझौता नहीं इलेक्शन करीब है मगर पार्टी कॉर्नर मीटिंग्स में या तो बात टिकट्स में ना इंसाफियों पर हो रही है या बिखरे मुंतशिर कारकुनों के साथ हकीकी वर्कर्स की तहरीक चलाने की हमें ये ग्रेविसेज हैं बलूचिस्तान की हद तक जो है इनको जो है जो है इन्होंने मेरिट को पामाल किया। से तहरीक का आगाज होगा और इन बहुत अच्छी तहरीक चलेगी देखना यह है कि बल्ले के, के बगैर आवामी मैंडेट हासिल कर सकेगी वक़ार अहमद पीटी वी न्यूज कोयटा नाजीन अकली बरदरी से ताल्लुक रखने वाली डॉक्टर सवेरा प्रकाश भी खबर पख्तनखा इसम्बली की जनरल नशित के लिए इंतजाम लड़ रही है वही तफसद अख्तर से दानी डॉक्टर सवेरा प्रकाश पी के 25 जिला बुनेर से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पर इलेक्शन लड़ रही हैं हिंदू बरादरी से ताल्लुक रखने की वजह से इन दिनों लोगों की तवज्जो का मरकज बनी हुई है डॉक्टर सवेरा हल्के में भरपूर अंदाज से इंतजामी मुहिम में मसरूफ़ है और कार्नर मीटिंग्स के साथ साथ घर घर जाकर खुतिन तक भी अपना पैगाम पहुँचा रही है एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा फील हो रही है क्योंकि बहुत ज्यादा सपोर्ट और बहुत ही ज्यादा सपोर्ट बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव रिस्पांस मुझे बुनियर से मिल रहा है आ, सिर्फ पीपीपी -पी -पी से नहीं हर पार्टी से मुझे मतलब वो कमेंट्स मैसेजेस सोशल मीडिया पे आ रहे हैं मतलब हर जगह सपोर्ट ही सपोर्ट तो इसमें अब मतलब ये मुझे नजर आ रहा है कि बुनेर में पार्टीज को अभी मतलब वो करके नहीं डिस्क्रिमिनेट कर रहे ना मुझे फीमेल या माइनॉरिटी के तौर पे नहीं डिस्क्रिमिनेट कर रहे उल्टा मुझे उन्होंने डॉक्टर ऑफ बुनेर बुनिया की बेटी का टाइटल दे दिया डॉक्टर सवेरा प्रकाश का कहना है कि उनको अपने हल्के के मसाइल का बखूबी इलम है और मौका मिलने पर आवाम की बेलोस खिदमत उनका नजब है खैबर पुख्तनख्वा के जिला बुनैर से आम इतना में अकलीती बरदरी से तल्लु रखने वाली खातून की शिरकत मुस्बत रुझान है जिससे इस बात का अंदाजा बखूबी लगाया जा सकता है की पाकिस्तान में अकलियती बरदरी को यकसर हकूक और मौाक़ फराम किए जा रहे हैं साजिद अख्तर पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ कुछ बात करेंगे इसराइली जारहियत की गजा और मकबूजा फलस्ती इलाकों में इसराइल ने जुलमो सितम का सिलसिला जारी रखा हुआ है फलस्तनी वजारत सेहत के मुताबिक गुजशत चौबीस घंटे के दौरान मजीद एक सौ बहत्तर फलस्ती शहीद हो गए जिसके बाद सात अक्टूबर से अब तक शहीद होने वालों की मजमु तादाद चौबीस हजार छह सौ बीस हो गई है हमलों में इकसठ हजार आठ सौ तीस जख्मी गजा के जनूबी इलाके खान यूनस और पनागस कैंपों पर रात गए बड़े पैमाने पर बमबारी की गई है जिससे तिरानवे फ़लस्तीनी शहीद हो गए रफा में रहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया है जिसके नतीजे में खातन और बच्चों समेत सोलह फ़लस्तीनी शहीद हो गए अजजीरा टी वी के मुताबिक जनूबी गजा के इलाकों खान यूनस और रफा में काबिज फोर्स ने रहायशी मकाना पर शेलिंग की है इसराइल ने गुजत दो माह से जनूबी गजा के इलाके खान यूनस और रफा पर हमले तेज कर दिए हैं और उनको खास निशाने पर रखा हुआ है अकवा मुतहदा के मुताबिक रफा और खान यूनस में शदीद बमबारी से घरों अस्पतालों कब्रस्तानों को शाना बनाया जा रहा है मगरबी किनारे में भी इसराइली हमलों में जान की बाजी हार गए मुलाजिम हैं जो इसरा में मारे गए हैं गुजशत साढ़े तीन माह के दौरान सौ से ज्यादा जान की बाजी हार चुके हैं जो कि बहुत बड़ी शराह है ने रोज किनारे में की का किया है जिसमें शहीद हो थे। के के निजाम तबाह हो रहा है अकवादा की इमदादी एजेंसी ने कहा है कि इसका अमला भी इसराइल के हमलों से महफूज नहीं है जंग के दौरान इमारतों को नुकसान पहुंचाया और उसके एक सौ पचास हमले को हलाक किया यूरोपीय पार्लियामेंट ने गजा में जंगबंदी के हक़ में वोट दिया है अलामती करारदाद के हक में तीन सौ बारह मुखालफत में एक सौ इकतीस वोट डाले गए जबकि बहत्तर अरकान गैर हाजिर रहे और रायशुमारी में हिस्सा नहीं लिया करारदाद में इंसानी इमदाद की तरसील में तेजी लाने पर भी जोर दिया गया फलस्तीन और इसराइल के दरमियान तय पाने वाले माहदे के तहत इंसानी इमदाद और अद्वियात में दाखिल हुई कतर की सालिसी में होने वाले माहदे के मुताबिक पाँच ट्रक फ़लस्तनी इलाके में पहुंचे ये इमदाद गजा के सबसे ज्यादा मुतासर इलाकों के शहरीों को फराहम की जाएगी अद्वियात और इमदाद दोहा से मिस्र पहुंची जिसके बाद ट्रकों को फलस्तनी हलाल अहमद सोसाइटी ने जंगजदा इलाके में पहुंचा दिया कुछ दीगर खबरों में यहाँ आपको बताएं सदर ममलिकत डॉक्टर आर एफ अलवी का कहना है कि टेक्नोलॉजी की मदद से तालीम और ख्वानंदगी को दूर दराज और दुशवार गुजार इलाकों तक पहुँचाना मुमकिन है आजाद जम्मू कश्मीर में तालीमी शोबे में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ाना होगा कश्मीर एजुकेशन फाउंडेशन के वफद से मुलाकात में गुफ्तू करते हुए सदर ममलोकत ने कहा कि इंफॉमेशन टेक्नोलॉजी के जरिए मैारिमी बरकरार रखने के साथ तलबा की तादाद में इजाफा किया जा सकता है इससे ताली शोबे में अखराज भी कम होंगे सदर ममलोकत ने कहा कि पाकिस्तान में तकरीबन दो करोड़ अस्सी लाख बच्चे स्कूल नहीं जाते वफ ने सदर ममलकत को आजाद जम्मू कश्मीर और दही पंजाब में, में तालिम और मैारी के फरूख में फाउंडेशन के किरदार के, के बारे में आगाह किया निगराम विफा वजी मुर्तजा सोलंगी से कराची में निगराम अहमद शाह ने मुलाकात की मुलाकात में आम इंत के इंतजाम सहाफियों को हर मुमकिन सहूलियात की फरहमी और दीगर मुतल पर तबादला ख्याल किया गया निगरा वफाकी वज़ी ने कहा कि अमनो अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए तमाम ज़रूरी इकदाम किए जा रहे हैं निगरान सूबाई वजीत ने विफाक वजी को सूबे में इंतबात के इक़ाद के इंतजाम से मुतक तफसल से आगाह किया वजीर ने कहा कि आम इंतबा के लिए ज़रूरी फ़ंड्स जारी कर दिए गए हैं निगरान विफाक वजी तलातों ने शरियात मुर्तज़ा सुलंकी कराची में सीनियर सहाफ़ी बाबर अयाज के घर गए और उनके इंतकाल पर अहल खाना से ताजियत की। विफा वजी तलात ने बाबर रियाज के साले सवाब के लिए फ़ाते खानी भी की इस मौके पर वज़ी तलात ने कहा कि बाबर रियाज एक मुखलिस अमन पसंद और जमहूरियत पसंद इंसान थे बाबर रियाज की सहाफती खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा वजी दफा रिटायर जनरल अनवर अली हैदर से मिसर के सफी डॉक्टर ने रावल पिंडी में मुलाकात की वज़र दफा ने कहा कि पाकिस्तान और मिसर के दरियान खुशगवार तारीखी और रिवायती तल्लुत हैं दोनों मालिक दफाई सनत में मुश्तरक मनसूबों और ताउन के लिए काम कर सकते हैं उन्होंने कहा की मिसर और पाकिस्तान तमाम शोबों में तरक्की करने की बेपनाह सलाहियत रखते हैं दोनों ममालिकमन व तरक्की के लिए यकसा ख्वाहिशात रखते हैं निगरा वजीर खजाना डॉक्टर शमशाद अख्तर ने कहा है कि डिजिटल अदायगियाँ आम शहरियों और कारोबारी अफराद को बर वक्त और आसान माली मामला मुकम्मल करने का इख्तियार देती हैं पाकिस्तान डिजिटल स्टेक के जरिए करोड़ों पाकिस्तानियों को रोजमर्रा लेन देन में सहूलत होगी इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए वजी खजाना ने कहा कि डिजिटल स्टेक के जरिए माशी सरगर्मियों में बेहतरी आएगी ये मनसूबा पाकिस्तान की तरक्की के लिए इंतहाई अहम है इसकी कामयाबी के लिए तमाम वसाइल बुरे लाएंगे गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी है गुजशतर रोज आठ सौ इक्यावन अफगान शहरी अपने वतन वापस चले गए अब तक पाकिस्तान से वापस जाने वाले गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की तादाद चार लाख सत्तर हजार से ज्यादा हो चुकी है अफ़ग़ान बाशि की बावक़ार अंदाज में वापसी के लिए हर जिले में आर्जी कैम्प क़ायम किए गए हैं जहाँ रिहायशी सहूलियात की हैं

ما اوس سوالونه زارياني کولې کومه معلومات کاوه تا شيفه نه دي هغه نک کالارې ده من گیاند مال کار اور خپل پوه تا سپر په دایم پټ چم نشته قبل اور دغه طالبان روبې شليب منلې و روبې نه دراګه تمه د وړې د نه کوي ماشومان دي دچا دکان يا غولا او ټيوب طالبانو چې دې چا څوک پلي اوولاو ورک پنګلې نه راکئ ته تیری په دغه پکت مولا کوي وره لمن وتامي ورچلې ګیرو پې راکئ چې څوا سوده سم پتي پنارته خال کوټا پات تو دو مردا کا سپانا او یاريانې ته خلک لا صبرو में पाकिस्तानी हमले में हलाक होने वाले अफराद के लवाकिन सामने आ गए माहरंग बलूच का कहना है कि ईरान में मरने वाले लोगों के ववाहन यहाँ धरने में मौजूद हैं। पाकिस्तान का भी यही कहना है कि मफरूर बलोच अस्करियत पसंद और शिद्दत पसंद ईरान और अफगानिस्तान में पनाह लिए हुए हैं कोई भी आपको आप सबको इस बात का अंदाजा है की ईरान में जो लोग मरे उसके लवाकिन यहाँ मौजूद है इस पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी ने कहा है कि आवाम जिम्मेदार शहरी होने का सबूत देते हुए कानून की पासदारी करें तोहन आमेज गैर अखलाकी और रियासत मुखालिफ मवाद ऑनलाइन हरगिज शेयर न करें उन्होंने कहा कि ऐसा मवाद शेयर करना जुर्म है ऐसे मवाद को ब्लॉक करने और हटाने के लिए पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी की वेबसाइट पर रिपोर्ट करें ज्वाइंट के तहत 9 जनवरी को शुरू होने वाली पाकिस्तान बहरिया की पहली सी गार्ड मश्क का हो गया अरब में मश्क की तकरीब जौहर में हुई तकरीब के मेहमान बलगरामी ने अपने खिताब में कहा कि मश्क में तमाम स्टेक होल्डर्स की भरपूर शिरकत इस बात का सबूत है कि तमाम इदारे मेरी टाइम सिक्योरिटी जोन में मुतरक है ऐसी मश्क का सिलसिला आइंदा भी जारी रहेगा ये मश्क हमें मेरी टाइम जोन की सिक्योरिटी मजीद बेहतर बनाने में मददगार साबित होगी मुस्लिम लीग फंक्शनल के तमाम पाक फौज के शहदा को खराजीदत पेश करने के लिए बलूचिस्तान के इलाके सोबतपुर में रैली का इनका किया गया मुस्लिम लीग फंक्शनल के सदर मीर मुशरफ अली खोसा की में क्या शहर से सोहबतपुर तक रैली निकाली गई रैली के शरका ने पाक फौज के जवानों की कुरबानियों को सलाम पेश किया रैली शरिका के हाथों में बैनर्स उठाए हुए थे जिन पर दर्ज नारों में शोहदा को खराज अकीदत पेश किया गया था शरका का कहना था की पाक फौज के शेर दिल जवानों की कुरबानियों को फरामोश नहीं किया जा सकता है पूरी काम पाक फौज के शाना बशाना खड़ी है मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय हुकूमत ने मजलूम कश्मीरियों के इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाने के लिए मजीद शहरी अमलाक और असासे जब्त कर लिए हैं कैमएस के, के मुताबिक मोदी हुकूमत ने अपने ताज़ा तरीन इकदाम में जफ़र अकबर भट्टी यासर मोहम्मद इकबाल मीर मोहम्मद अब्दुल्ला शाह और फातमा शाह समेत हुरियत रहनुओं और कारकुनों के साथ गैर मनकूला असासे जब्त कर लिए हैं इन असासों को भारत के बदनामे जमाना तहकीकती इदारे इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने उन हुरियत रहनुमाओं और कारकुनों के खिलाफ दर्ज झूठे मुकदम में जब्त किया है मोदी हुकूमत आइंदा इतब में सियासी फ़ायदे के लिए गैर कानूनी तौर पर नजरबंद कश्मीरी हुरियत रहन मोहम्मद यासीन मलिक को फांसी देने के दर पर है इस सिलसिले में आज भारतीय सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन की खसूसी अदालत में एक एनी शाहिद ने यह दावा किया है कि यासिन मलिक उन्नीस सौ नब्बे में श्रीनगर में भारतीय फिजाया के एहलकारों पर फायरिंग करने वाला मरकजी मुलजम था भारत के बदनाम जमाना तहकीकती इदारे एन आई ए की खसूसी अदालत ने यासिन मलिक को मई दो हजार बाईस में एक झूठे मुकदमे में उम्र कैद की सजा सुनाई थी मलिक इस वक्त नई दिल्ली की तिहाड़ जेल में कैद हैं श्रीनगर और मकबूजा वादी के दीगर इलाकों में जस्पा किए गए पोस्टर्स में कश्मीरियों पर जोर दिया गया है कि वो छब्बीस जनवरी को भारत के यौम जमहूरिया को यौम सियाह के तौर पर मनाएं पोस्टर्स में कश्मीरियों से इस दिन मुकम्मल हड़ताल करने की भी अपील की गई है पाकिस्तान ने कश्मीरी हरीत क्यादत पर भारतीय कैंगू कोर्ट्स के नाजायज दायरा इख्तियार को मस्रद कर दिया है पाकिस्तान का कहना है कि यासिन मलिक के केस पर गहरी नजर रखे हुए हक़ी खुदरादियत के हसूल के लिए लड़ने वाले कश्मीरी रहनमा का गैर कानूनी ट्रायल सियासी इंतकाम और भारतीय जारियत है गैर मुतद कश्मीरी रहानमा यासिन मलिक के ग कानूनी ट्रायल के नतीजे में मकबूजा कश्मीर में तशद्द और बुनियाद परस्ती में इजाफा हो सकता है ज हासिल किए जा सकते हैं निगरान वजीर मोहम्मद में अहम है। रिपोर्ट कर रहे हैं से हसन रियाज। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इस्लामाबाद में पाकिस्तान के माशी बहरान और इसके हल के हवाले ऐसी सेमिनार हुआ तो निगरान विफाकी वजी मोहम्मद अली ने इकत मसाइल के हवाले से गैर मामूली असलाहत पर जोर देते हुए निगरान हकुमत के इकदाम से आगाह किया, किया। हाँ ने पूरी कोशिश की है कि जितनी फ्रंट्स पर काम हम कर सकें वो हम करें जाहिर बात है कि टाइम कम होता है चार पाँच माह का ये टाइम होता है तो उसके अंदर अब आप देखें स्मगलिंग के ऊपर क्रैक डाउन हुआ है अफगान ट्रांजट के ऊपर बिजली के चोरी के ऊपर रिकवरी के ऊपर हमने एक्सपोरेशन की पॉलिसी में बहुत चेंजेस की हैं हम पर काम कर रहे हैं गैस के हमने रिफॉर्म्स की है इसके अलावा करेंसी बड़ी स्टेबल हो गई है मुल्क में सेमिनार से खिताब

उनहत्तर बरस बीत गए मगर उनकी तहरीरें आज भी जबान जदेआम हैं। सादत हसन मंटो की बरसी के बाके पर देखते हैं लाहौर से शुमाल शबीर की रिपोर्ट सादत हसन मंटो अफसाना निगारी में एक मुतबर नाम जिन्होंने अपने मुंफरद अंदाज बयां से अफसाना निगारी को एक पहचान दी 11 मई उन्नीस को भारत के शहर लुधियाना में पैदा होने वाले सादत हसन मंटो का तालीमी तालीर काबिल नहीं था ताम इसके बावजूद उन्होंने जमाने के नब्स शनास की हैसियत से जिंदगी की तलख हकीकतों से पर्दा उठाया ये सादत भी सादत हसन मंटो को हासिल है कि उन्होंने इंसानी नफस्यात को अफसानों का मौजू बनाया और अपनी तहरीरों में इंसानी रवैयों की मंजरकशी की सादत हसन मंटो कहते थे कि वो अफसाना नहीं लिखते बल्कि अफसाना उन्हें लिखता है वो दुनिया के बड़े अफसाना निगारों में से एक है जिसने हमारी तारीख को हमारे समाज को हमारी नफ्सियात को हमारे जितने भी अकायद हैं उन सबको चैलेंज किया मंटो के अफसाने महज वाकयाती नहीं बल्कि उनमें माशरे के तजादात की दास्तान मिलती है उन्होंने अपनी तहरीरों में बेबाक किरदारों को मौजूद बहस बनाया जिन पर उन्हें मुख्तलिफ हल्कों की तरफ ऐसी तनकीद का निशाना भी बनाया गया टोबर सिंह, ठंडा गोश्त और खोल दो उनकी बेहतरीन तहरीरें जानी जाती गए मगर उनके बेमिसाल अफसाने आज भी उनकी याद ताज़ा की हुए हैं शुमला शबीर पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज लाहौर मारूफ शायर मुसनिफ कल उस वास्फ को हम ऐसी बिछड़े इकतीस बरस बीत गए उनके इलमी और अदबी खिदम के बारे में रिपोर्ट तैयार की है लाहौर ऐसी वर्दा सलीम ने मुलाजा खींचे इश्क के हकीकी और रुमानवी लहजा वासिफ अली वासिफ के कलाम के नुमाया उफ है पंद्रह जनवरी उन्नीस सौ उनतीस को जिला खुशाब में पैदा हुए इब्तदाई तालीम खुशाब में हासिल करने के बाद लाहौर के गवर्नमेंट कॉलेज ऐसी अंग्रेजी किया वासिफ अली वासिफ ने सिविल सर्विस का इम्तिहान पास किया तहम तबीयत में दरवेशी के बाईस सरकार की नौकरी को खैर बात कहकर तालीमो तदरीस ऐसी वाबस्ता हो गए वो कहते थे की सादिक की जबान ही सादिक है यही वजह है की उनके कलाम में वो कमाल की तासीर थी जो लगता था की अल्फाज उन के मुँह से अता हो रहे हैं वासीफ़ इश्के हकीकी के कायल थे और पानी के बजाय बका के लिए बाकी की तलाश के खाहा थे वासिफ अली वासिफ का कलाम दर हकीकत वो चराग है जो दिलो दिमाग के बंद दरीचे खोलता और इल्मो शवर ऐसी रोशन कर देता है आपने हमेशा कोशिश की इन तहाई सादा जुबान में अल्लाह अल्लाह के रसूल और औलिया कराम के रस्ते को लोगों के लिए बनाते गए हर हर हकीकत दिल दरिया समंदर समेत वासिफ़ अली वासिफ़ की तसानी आज भी इल्मो दानिश के लिए बेश बहा खजाना है अठारह जनवरी उन्नीस सौ तिरानवे को इल्म का ये इस्तारा दुनिया पानी से कूच कर गया वासिफ़ अली वासिफ़ की तहरीरें महज तहरीरें नहीं बल्कि अता है जिनमे अफाकी हकीकत की झलक नुमाया हैौर असल नाजरीन मौसम की खबरों में खुशा मदीद नाजरीन आपको आगाह करें कि आइंदा चौबीस घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क जबकि शिमाली इलाकों में शदीद सर्द और मतला जुजी अब्रलू रहने का इम्कान है जुनूब मगरबी बलोचिस्तान में चंद मकाम पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ हल्की से दरमिया बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की तो है पंजाब और खैबर पखतनख्वा के मैदानी इलाकों और बालाई सिंध में शदीद धुंध और स्मोक छाई रहेगी पठवार और कश्मीर में सुबह के औत में बाज मकाम पर कोहर पड़ने का कम कम की तफसी की बात करेंगे जो कि कुछ यूं रही लह में कम से कम दर्जा हरारत मनफी बारह डिग्री सेंटीग्रेड रिकार्ड किया गया स्कर्दू में मनफी सात काला मनफी छह गिलगित मनफी पांच जबकि गोपस में भी मनफी पांच डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया और मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्ज हरारत की तफसील कुछ यूँ रही इस्लामाबाद में कम से कम दर्ज हरारत एक डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया लाहौर में चार कराची तेरह पिशावर तीन जबकि कोयटा में सिफर डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया नाजरिन मौसम की सूरत हाल आप जान चुके हैं मौसम की खबरों से इतना ही खेलों की खबरों में खुशामदीद और स्पोर्ट्स बुलेटिन में बात करते हैं पाकिस्तान न्यूजीलैंड टी ट्वेंटी सीरीज के हवाले से पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान टी ट्वेंटी सीरीज का चौथा मैच कल क्राइस्ट चर्च में खेला जाएगा कौमी टीम दोनों रन से क्राइस्ट चर्च पहुंच गई है चौथे टी ट्वेंटी मैच की तमाम टिकटें फरोख्त हो चुकी हैं मेजबान टीम को पांच मैच की सीरीज में तीन सिफर की फैसला कन बरतरी हासिल है मैच पी टी वी स्पोर्ट्स एच डी पे बर रास्त दिखाया जाएगा इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने टी ट्वेंटी प्लेयर्स की नई रैंकिंग जारी कर दी है बाबर आजम एक दर्जे बेहतरी के बाद चौथे नंबर पर आ गए दर्जाबंदी के मुताबिक बल्लेबाजों में भारत के सूर्य कुमार यादव सर फहरिस्त हैं इंग्लैंड के फिल सॉल की दूसरी और पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान की तीसरी पोजिशन बरकरार है बाबर आजम एक दर्जे बेहतरी के बाद सात रेटिंग पॉइंट्स के साथ चौथे नंबर पर आ गए हैं टी ट्वेंटी बॉलर्स रैंकिंग में इंग्लैंड के आदिल रशीद बदस्तूर पहली पोजीशन पर मौजूद हैं। वेस्ट इंडीज के अकील हुसैन एक दर्जे तरक्की के बाद दूसरी और श्रीलंका के वर्निंदो हसारांगा तीसरी पोजीशन पर आ गए हैं खेलों की खबरों के साथ ही खबरनामा को पहुंचा कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ आप देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन